नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। स्कीम की बहाली को लेकर डिफेंस फैक्ट्रीज के सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरे, गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर संकल्प लिया, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होगा आंदोलन। न्यू पेंशन स्कीम नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ही बहाल करने की मांग को लेकर जबलपुर की 5 डिफेंस फैक्ट्रीज में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरे, शहर की सड़कों पर नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि पुरानी पेंशन स्कीम को ही लागू किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों की ये मांग काफी पुरानी है और वे लगातार सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग दोहराते आए हैं। सरकार ने बीच का रास्ता जरूर निकाला था, लेकिन वो भी केंद्रीय कर्मचारियों को पसंद नहीं आया है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही मस्करा गणपति का होने लगा विसर्जन। पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही मस्करा गणपति का होने लगा विसर्जन। पितृपक्ष में विराजते हैं श्री गणेश। महाराष्ट्र से जुड़े क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी में विराजित होने वाले गणेश जी के विसर्जन के बाद पितृपक्ष में पुनः अखरपक गणेश उत्सव मनाया जाता है। यह गणेश जी पितृपक्ष में विराजित होने के कारण इन्हें अखरपक गणपति, मस्करा गणपति आदि नामों से जाना जाता है। यह गणेश उत्सव 10 दिन का होता है और शहर के हर गली मोहल्ले में मस्करा गणपति की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। इस बार भी जगह जगह श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई और सौसर के गुरुदेव कॉलोनी में भी गणपति बाप्पा की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना के साथ 10 दिन भजन पूजन, सांस्कृतिक प्रोग्राम, प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई। यहाँ लगभग 35 वर्ष से मनोकामना पूर्ण करने वाले गणपति बाप्पा की स्थापना की जाती है। पूजा भक्ति में भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर 1100 मोदक का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। पितृपक्ष के समाप्ति के साथ ही इनका विसर्जन भी किया जाता है। गणपति बाप्पा को विसर्जन के दौरान सौसर में विराजित मस्करा गणपति को नम आंखों से भक्तों ने विदाई दी। यह गणेश जी पितृपक्ष में स्थापित होते हैं और 10 दिनों तक इनकी पूजा अर्चना के साथ इनकी विदाई की जाती है। अब पितृपक्ष की समाप्ति होने लगी है और इसी के साथ इन गणेश जी का भी विसर्जन होने लगा है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही मस्करा गणपति का होने लगा विसर्जन। पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही मस्करा गणपति का होने लगा विसर्जन। पितृपक्ष में विराजते हैं श्री गणेश। महाराष्ट्र से जुड़े क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी में पहली के निकट ग्राम अनंतपुरा में आज भी ग्रामवासी करते हैं महात्मा गांधी को याद। हर साल मनाई जाती है महात्मा गांधी जयंती। आज पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है, लेकिन रैली के निकट ग्राम अनंतपुरा में गांधी जयंती अलग मायने रखती है, क्योंकि 9 दशक पहले गांधी जी यहां आए थे और करीब 15 घंटे इस ग्राम में बिताने के बाद अगले पड़ाव की ओर रवाना हो गए थे। इन 15 घंटे में बापू ने ग्रामवासियों से छुआछूत मिटाने और चरखे से कपड़े बनाने की अपील करते हुए देश हितकारी करने की बात कही थी। जिस चबूतरे पर बैठकर बापू ने लोगों को संबोधित किया था और प्रार्थना की थी, वह आज भी मौजूद है और समय के साथ इसका जीर्णोद्धार कर बापू की मूर्ति भी स्थापित की जा चुकी है। 90 साल बीत गए जब महात्मा गांधी ग्राम अनंतपुर आए थे, पीढ़ियां गुजर गईं, पर ग्रामवासी आज भी बापू को याद करते हैं। यही कारण है कि अनंतपुरा गांधी ग्राम के नाम से याद है। एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको लिए चलते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को होने जा रहे भारत बांग्लादेश के बीच में T20 क्रिकेट मैच को लेकर दोनों ही देश की टीम ग्वालियर पहुंच चुकी है। टीम इंडिया और बांग्लादेश के खिलाड़ियों का ग्वालियर में सुबह से आ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सबसे पहले बेंगलुरु से सुबह 8:30 बजे पहली फ्लाइट ग्वालियर पहुंची। इसमें बेंगलुरु कैंप में ट्रेनिंग ले रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव, जितेंद्र शर्मा विकेट कीपर, रवि बिश्नोई, रियान पराग और अभिषेक शर्मा ओपनर बल्लेबाज ग्वालियर आए। दूसरी फ्लाइट दिल्ली से सुबह 11 बजे के लगभग ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरी। इसमें अर्षदीप सिंह, नितेश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ग्वालियर आए, तो वहीं 1:15 बजे बांग्लादेश की टीम ग्वालियर पहुंची, जहां खिलाड़ियों का स्वागत कर उन्हें होटल के लिए रवाना किया गया। इसके बाद दोपहर 1:55 पर मुंबई से भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ग्वालियर पहुंचे। बांग्लादेश की टीम को सिटी सेंटर होटल रेडिसन में ठहराया गया है, तो वहीं इंडिया टीम को होटल ऊषा किरण पैलेस में ठहराया गया है। दोनों ही टीम के प्रैक्टिस सेशन यानी कल से 5 अक्टूबर तक चलेंगे, जिसके लिए शंकरपुर स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। खूबसूरत संतान की चाय में छतरपुर की एक महिला अपने देवर के साथ भागी, जिसके बाद उसका पति न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचा।
शहर के सीताराम कॉलोनी निवासी राजेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि उनकी शादी 10 साल पहले मीना कुशवाहा से हुई थी, जो कि उनके छोटे भाई यानी कि महिला के देवर के साथ भाग गई, जहां पर उसने मैसेज कर खुद जान देने की बात कही है और कहा है कि पूरे परिवार को फंसा देंगे। इसी बात के डर से एसपी कार्यालय यहां पे राजेंद्र पहुंचा और उसने अपनी सुरक्षा के लिए एसपी को आवेदन दिया है। उसका यह कहना है कि हमारे संतान की प्राप्ति नहीं होती, जिसके कारण हमारी महिला पत्नी चाह रही थी कि हमें खूबसूरत बेटा मिले। इस बात को लेकर वह अपने देवर के साथ भाग गई है और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हो। यही बात को लेकर उसने अपने परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया है। उसे इस बात का डर है कि कहीं हमारी पत्नी कुछ घटना ना कर ले, जिसकी वजह से वह हमारे पूरे परिवार को फंसा सकती है। यही बात को लेकर उसने अपना शिकायती आवेदन छतरपुर के एसपी को देते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की है। उधर पति ने अपने भाई पर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा है कि हमें जान का खतरा है और हमारी पत्नी खुद सुसाइड करके हम लोगों को फंसा सकती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।